बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 20 में, कि फाइलोजेनेटिक ट्री जो है वो इट इज़ कंस्ट्रक्टेड एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स एंड सम इम्पोर्टेंट की टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्री। तो यहाँ पर हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं फर्दर। आई एम पुटिंग सम एग्जाम्पल्स कि किस तरह से ट्री हमें इंफॉर्मेशन देता है और क्या कितना वो लॉजिकल होता है, कितना ऑथेंटिक होता है। अभी हमने सिर्फ बात की थी कि जब ट्री कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स वो जो डीएनए या प्रोटीन सीक्वेंसेस होते हैं वो आपस में कंपेयर किए जाते हैं टू फाइंड द राइट क्लोज रिलेटेड पेयर एंड देन पुट इट ऑन द सेम क्लैड और सेम ब्रांच। ठीक है, ओके। दूसरी चीज़, उस ट्री के अंदर ये कैसे पता चलता है जो हम बात कर रहे थे कि जो ब्रांच लेंथ होती है उसके ऊपर एक स्केल होता है जो हमें बताता है कि इसका टाइम कितना है, कितना पुराना है ये। तो ये डीएनए सीक्वेंस बेस्ड या प्रोटीन सीक्वेंस बेस्ड ये इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलती है? जो फॉसिल रिकॉर्ड होता है उसको तो हम उसकी तो डेटिंग कर लेते हैं ना, तो लेकिन यहाँ हम कोई डेटिंग नहीं कर सकते, तो फिर हमें कैसे पता चलता है? जैसे पिछले लेक्चर में मैंने कहा कि डेटिंग के अलावा भी दूसरे मोलेकुलर मेथड्स हैं, तो वो कैसे हमें पता चलता है, तो वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। और कुछ फर्दर एग्जाम्पल्स हैं जो मैं, जैसे मैं कह रहा था कि आपको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि ट्री को इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। ओके, तीसरी बात हम जो पिछले लेक्चर में की थी कि वो सोर्सेस, वो डेटा, वो हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो उसका भी आज हम अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स उसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो ट्री जो है वो हमें क्लोजली जो है वो क्लोजनेस बताता है, डिफरेंट जो जिस ग्रुप को हम कंपेयर कर रहे होते हैं उनके क्लोजली रिलेटेड कौन से हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन की जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं वो कौन सी हैं? तो हम ह्यूमन को कॉटन के साथ या मेज़ के साथ या मछलियों के साथ कंपैरिजन शुरू नहीं कर देंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि फाइलोजेनी का मतलब ये हम स्लोली आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो सबसे क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं कि वो मैमल्स हैं। अब मैमल्स में डॉग भी आता है, मैमल्स में बफलो भी आती है, मैमल्स में डॉल्फिन भी आती है। तो हम डॉल्फिन से बेहतर ऑर्गेनिज्म है जो हमारे अपेरेंटली क्लोज रिलेटेड हैं। ठीक है, उसमें मंकीज आते हैं, मंकीज में एप्स सब आते हैं। अब एप्स जो हैं वो ऐसे मंकीज होते हैं जिनकी टेल नहीं होती, तो हम एप से ज़्यादा क्लोज रिलेटेड हैं एज़ कम्पेयर टू दी अदर मंकीज। जो एप्स हैं, अब एप्स भी उसकी भी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। अब उनमें से कौन सी एप्स की स्पीशीज़ हमारे क्लोज रिलेटेड हैं, तो ये कंपेरिजन हमें देखने से बज़ाहिर पता नहीं चलता। इसके लिए हम मोलेकुलर डाटा को भी यूज़ करना पड़ता है या दूसरी चीज़ों को। अच्छा, क्लोजली रिलेटेड कौन है ये हमें क्लैडोग्राम से पता चल जाएगा, लेकिन वी आर इंटरेस्टेड टू कंस्ट्रक्ट अ फाइलोग्राम, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि ये जो क्लोजली रिलेटेड हमारे स्पीशीज़ हैं इनमें से कौन किसका इंसेस्टर है और वो कब इवॉल्व हुआ था उससे। ठीक है, पीछे हम इंसेस्टर नोड की तरफ जाते जाते, अब इंसेस्टर नोड की तरफ हम जाते जाते हम रूटेड ट्री बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम कंपैरिजन के लिए, तो जब हम कंपैरिजन शुरू करते हैं तो पहले जो हमारे नॉलेज में क्लोज रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको आपस में कंपेयर करते हैं। ठीक है, फिर दूसरों को साथ उसको स्लोली आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह से फिर हम आहिस्ता आहिस्ता पीछे लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर की तरफ जाएंगे। ओके, ये तो होगी फाइलोजेनी फॉर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। इसके अलावा हम क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कि एक फ्लोरिडा में एक डेंटिस्ट जो था उसकी क्लिनिक से डिज़ीज़ फैल रही थी, तो फिर कैसे पता चला कि डिज़ीज़ कहाँ से फैल रही है? तो वो भी एक किस्म का फाइलोजेनेटिक एनालिसिस था जिससे पता चला। ओके, तो इसके अलावा जो हमारे जीनोम के ऊपर डिफरेंट ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं जो जीनोम के ऊपर एक से दूसरी जगह जंप करते रहते हैं, उनको जंपिंग जीन्स कहते हैं, तो हम उनको भी देख सकते हैं कि वो कौन सा किधर से आया है। यानी एक ही ऑर्गेनिज्म के जो जीनोम है उसके डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को आपस में कंपेयर करके। इसके अलावा और भी बहुत सारी रीजंस हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकती हैं फाइलोजेनेटिक ट्री की। तो अगर हमने अगले सेमेस्टर में वो वाला कोर्स पढ़ा, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है उस कोर्स में जो मैं बता रहा था, सीक्वेंस अलाइनमेंट एंड फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, तो फिर हम उसमें देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ेंगे एप्लीकेशंस को इन द सेकेंड पार्ट। आई होप कि वो ऑनलाइन ना हो ताकि हम उसको लाइव देख सकें। ओके, लुक एट दिस पिक्चर जो मैं बता रहा था कि ये डिफरेंट, इस वक्त आप यहाँ पर पांच डिफरेंट स्पीशीज़ के जानवर देख रहे हैं। आपके लेफ्ट में एक नज़र आ रहा है जो वो बॉनबस है,
जो नीचे लेफ्ट में आपको नज़र आ रहा है वो गोरिल्ला है, सेंटर में जो आपको जानवर नज़र आ रहा है ब्लू स्वेटर वाला वो होमो सेपियंस है, और जो राइट में आपको ब्राउन सा नज़र आ रहा है वो ओरैंगउटान है, और जो सबसे राइट में आपको नज़र आ रहा है उसकी हरकतें भी देखें इंसानों जैसी हैं, एक तरबूज मुंह में उठाया हुआ है और हाथ में उठाए हुए हैं, कितना ग्रीडी नज़र आ रहा है अपने स्टाइल से, ठीक है। तो वो जो राइट मोस्ट है दैट इज़ चिंपैंसी। ओके, अब अपेरेंटली अगर हम इनको देखें तो हमारा एनालिसिस किसी हद तक चले हो सकता है भी, जैसे चिंपैंजी में इंसान वाली हरकतें हैं तो आप कह सकते हैं कि द एनिमल विद द ब्लू स्वेटर इज क्लोज रिलेटेड विद द एनिमल होल्डिंग वाटरमेलन्स। तो ये जो फोटो आप नज़र आ रही है, आई एम सिटिंग एट दी फेमस कॉफ़ी शॉप इन कैनेडा, आई फॉरगॉट द नेम, एट यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू इन May 2018 आई गेस। एनीवे, तो इनको यहाँ पर सिर्फ देख कर हम नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते कि विच वन इज़ क्लोजली रिलेटेड टू दी विच स्पीशी, तो इसके लिए हमें ट्री फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर इस स्लाइड में आप देखें दो किस्म के फाइलोजेनेटिक एनालिसिस किए गए हैं। जो सबसे पहले हम देखेंगे राइट जो साइड पर आप ट्री देख रहे हैं ना, राइट साइड पर आपके, तो इसमें ये जो ट्री है ये प्री मोलेक्युलर व्यू हम इसको कहते हैं, ये फाइलोजेनेटिक ट्री है, इट्स अ फाइलोग्राम, क्योंकि इसमें आपको नीचे स्केल नज़र आ रहा है जो टाइम भी बता रहा है कि ये 0 से लेकर पीछे 15 to 30 मिलियन ईयर्स लॉन्ग जो है वो आपको दिखा रहा है स्केल जो है, ठीक है। अच्छा, ये जो ट्री है ये प्री मोलेक्युलर, प्री मोलेक्युलर मीन्स के जो ट्री हम बिल्ड किया हुआ था हमने फॉसिल रिकॉर्ड की बुनियाद पर या जो रिलेटिव डेटिंग की बुनियाद पर और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी बुनियाद पर हमने जो एक फाइलोजेनेटिक ट्री बिल्ड किया था, जिसमें दो चीज़ें हैं, एक ये कि कौन सा किसके क्लोज रिलेटेड है और दूसरा ये कि कौन सा एवोल्यूशनरी इवेंट कब हुआ था, कब इवॉल्व हुए थे वो, तो ये दोनों चीज़ें इसमें हमने की हुई थी। तो यहाँ पर अगर आप इस ट्री को देखें तो इसमें देखें कि जो दो अलहदा अलहदा क्लैड बन रहे हैं, ठीक है, एक तो क्लैड बिल्कुल सिंगल ब्रांच बन रही है जिस पर ह्यूमन आ रहे हैं, राइट, और इसके अलावा एक क्लैड है जिसमें गोरिल्ला चिंपैंजी बोनोबोस और ओरैंगउटान्स जो हैं वो सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये प्री मोलेक्युलर व्यू है, तो ये सही नहीं था एक्चुअली। तो जो लेफ्ट पे आप ट्री देख रहे हैं वो बेस्ड ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, बेस्ड ऑन न्यूक्लियर डीएनए, मींस नॉट बेस्ड ऑन सिंगल जीन, बेस्ड ऑन सेवरल जेनेटिक मार्कर्स। जेनेटिक मार्कर्स क्या होते हैं, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कौन से फेमस जेनेटिक मार्कर्स हैं जो क्लासिफिकेशन में यूज़ होते हैं, इस पर एक अलग से लेक्चर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अभी हम ट्री को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, हाउ इट व्हाट डज द ट्री टेल अस, हाउ टू एक्सप्लेन अ ट्री यूजिंग सम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर आप देखें कि जो ओरैंगउटान्स हैं वो एक अलग क्लैड पे जा रहे हैं, दिस ट्री इज़ बेस्ड ऑन द डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और अदर न्यूक्लियर डीएनए सीक्वेंसेस, ठीक है। तो इसमें आप देखें कि जो चिंपेंजी और बोनोबोस हैं दे आर क्लोजली रिलेटेड, एंड चिंपेंजीज आर क्लोज, बोनोबोस बोथ आर क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन देन दे आर रिलेटेड टू गोरिलास, राइट। तो ये डिफरेंट लुक दे रहा है उस ट्री से, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, वो बता रहा था एक एस्टिमेट था 15 से 30 मिलियन ईयर्स का, ये वाला जो ट्री है वो हमें एस्टिमेशन दे रहा है वो 14 मिलियन ईयर की, ठीक है। तो हमें बता रहा है, देखें इस ट्री पर ज़रा गौर करें कि चूँकि हम यही सीख रहे हैं कि हाउ टू एक्सप्लेन अ ट्री, तो ये ट्री हमें बताता है, अगर आप ये देख लें कि यहाँ पर ये 14 मिलियन ईयर्स है तो यहाँ पर तकरीबन 7 मिलियन ईयर्स बनते हैं ऑलमोस्ट, ये एवोल्यूशनरी इवेंट ऑलमोस्ट 7 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। तो आप ये देख लें कि जो ओरैंगउटान्स हैं वो अराउंड 14 मिलियन ईयर्स इनके यानी इन सब के और ओरैंगउटान्स के इंसेस्टर सेम हो सकते हैं, मे बी 15 मिलियन ईयर्स, थोड़ा पीछे जाएंगे क्योंकि अभी इसमें इंसेस्ट्रल नोड नज़र नहीं आ रहा, पीछे वो यहाँ से निकलेगा तो उसको हम इंसेस्ट्रल पॉइंट बोलेंगे, अभी वो नहीं है क्योंकि जैसे ये वाला यहाँ से निकल रहा है, अगर हम ओरैंगउटान से थोड़ा सा डिफरेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई और मंकी इसमें इंक्लूड कर लें जो एप ना हो, तो वो फिर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, मीन्स वो एक अलग क्लैड बनाएगा, ठीक है। उस पर भी हम आते हैं आगे जाके कि वो कैसे करते हैं, उसको क्या कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें चिंपेंजी और जो बोनोबोस हैं इनका जो एवोल्यूशनरी इवेंट हुआ था, ये एक दूसरे सेपरेट हुए हैं एज ए डिफरेंट, तो वो तकरीबन 2 मिलियन ईयर, 2.5 मिलियन ईयर्स, राइट। और ये वाला जो चिंपेंजी और बोनोबोस है अराउंड ह्यूमन चिंपेंजीज और बोनोबोस जो हैं
ऑलमोस्ट 6 मिलियन ईयर्स गो उनके इंसेस्टर्स सेम थे पीछे, ठीक है। तो एक्चुअली अब देखें, जो हम आमतौर पर कहते हैं कि जी बंदर, साइंटिस्ट कहते हैं कि जी बंदरों से इंसान बने हैं, ऐसा नहीं है कि बंदरों से इंसान बने हैं। असल पॉइंट ये है कि ह्यूमन और चिंपैंजी और बोनोबोस के इंसेस्टर्स पीछे सेम थे। वो जो इंसेस्टर थे उनमें से कुछ जो हैं वो ह्यूमन के इंसेस्टर बने और उनमें से कुछ जो थे वो जमे थे। तो दैट, तो इसमें क्या है, हमने आपको पीछे दिखाया था कि जो मोस्टली एवोल्यूशनरी नोवेलिटीज होती हैं वो प्रीवियसली जो ओल्डर स्ट्रक्चर होते हैं उनमें, तो जो स्कल है इनका, स्कल इनका, इनका जो स्कल है पीछे हमारे सिस्टर का वो सेम था। तो स्कल में म्यूटेशन की वजह से, मैंने आपको दिखाया था कि ह्यूमन के अंदर एक कॉन्ड्रोप्लेजिया एक डिजीज होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें उनके आर्म्स और जो लेग्स हैं वो स्मॉल रह जाती हैं। तो अब आर्म्स और लेग्स अगर स्मॉल रह जाती हैं तो नोबडी वुड लाइक टू मेट विद देम टू रिप्रोड्यूस। तो होगा क्या कि दे विल मेट विद द पीपल हैविंग सिमिलर जेनेटिक डिसऑर्डर। तो उससे क्या होगा कि वो जेनेटिकली एक दूसरे से, यानी एक तो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएंगे, और अगर आप उनको 1 मिलियन ईयर दें तो वो जो उनके अंदर म्यूटेशंस हुई हैं वो उनके अंदर ही एक्यूमुलेट हो जाएंगी, और उसके बाद वो जो दूसरे, हालांकि इस वक्त वो ह्यूमन ही है और हमारे साथ मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर 1 मिलियन ईयर वो हमारे साथ मीटिंग नहीं कर सकेंगे, दे वुड बिकम अ डिफरेंट स्पीशी, ठीक है। तो इस तरह से, तो अब उसके साथ और भी म्यूटेशंस उनके अंदर आ सकती हैं, उनके स्कल के अंदर म्यूटेशन आ सकती हैं। अगर उनके अंदर स्कल के अंदर म्यूटेशन आ जाती हैं और उनकी स्कल चिंपैंजी जैसी हो जाती है, मीन छोटी हो जाती है, तो उनका ब्रेन छोटा हो जाएगा, उससे उनकी उनकी इंटेलिजेंस कम हो जाएगी। जब इंटेलिजेंस कम हो जाएगी तो वो शेव करना, बाल कटवाना और स्वेटर पहनना, जैकेट पहनना छोड़ देंगे, ठीक है। दे विल बी लाइक सैवेजेस, ठीक है। तो वो सिर्फ जो बेसिक इंस्टिंक्ट होती है जो सभी जानवरों में पाई जाती है कि फूड एंड स्लीप एंड रिप्रोड्यूस, तो वो इसकी तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर इंटेलिजेंस आएगी तो फिर वो दूसरा दूसरी तरफ जाएंगे। इंटेलिजेंस जो है वो एक प्रोसेस जो है वो कैसे है, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूंगा कि ड्यूरिंग रिसर्च ऑन ग्रीन मंकीज, आई मीन साइंटिस्ट वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर एंड देयर लैंग्वेज। तो उन्होंने देखा कि जो मंकीज हैं वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एक स्पेशल साउंड है, और वो सिर्फ वो वाली साउंड सिर्फ उसी वक्त प्रोड्यूस करते हैं जब कोई डेंजर होता है, ठीक है। अच्छा, अब जब वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो सारे मंकीज अलर्ट हो जाते हैं, राइट। अब उस साउंड के साथ एक अगली साउंड है, आई मीन देर आर टू कंपोनेंट्स, ए पार्ट बी पार्ट। अब जो बी पार्ट है, बी पार्ट जी की जो साउंड है उस पे डिपेंड करता है कि वो मंकी जो अलर्ट होंगे उसके बाद रिस्पॉन्स क्या देंगे, ओके। तो उन्होंने देखा कि दो, यानी साउंड का पहला कंपोनेंट हमेशा सेम रहता है जब भी अलर्ट करना होता है, और जो साउंड का दूसरा कंपोनेंट है वो डिफरेंट होता है। अच्छा, उन्होंने देखा, उन्होंने उसको रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करके देखा कि जो साउंड ए है वो, उसका मतलब अगर हम उसको ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब हो सकता है कि वार्निंग, डेंजर, अलर्ट हो जाएं भाई, खतरा, मतलब उसका ट्रांसलेशन ये बनती है। क्योंकि जब ही वो साउंड, देखें इस वक्त जो मैं निकाल रहा हूँ ये डिफरेंट साउंड्स हैं, दे आर मीनिंगफुल टू यू बट दे आर नॉट मीनिंगफुल टू द बर्ड्स और एप्स और अदर्स, राइट। तो अगर आप, अब आपने देखा कि घर में आप डॉग रखते हैं, कोई पेट रखते हैं, तो अब वो जो पेट होता है वो कुछ आपकी कांड जो है वो फॉलो करना शुरू कर देता है। तो उसमें क्या होता है, वो उस साउंड को रिलेट कर लेता है उस एक्शन के साथ जो आप उसको, फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज इन एट शंघाई, तो मेरे एक रूममेट थे, उनके पास डॉग था, तो जब हम उसको कहते थे कि गो गेट द बॉल, तो वो फौरन भाग के जाके बॉल को उठा के ले आता था। मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दिखा सकता हूँ लेटर, कि जब मैं उसको, इवन मैं उसको कह रहा हूँ कि बॉल लेकर आओ, तो वो भाग कर बॉल ले आता था तो खेलने के लिए, ठीक है। मैंने बॉल फेंक दी तो फिर उसने तो एसोसिएट कर लिया उसने, तो उसने ज़रूरी नहीं कि वो गो एंड गेट द बॉल पूरी बात समझता हो, सकता है सिर्फ उसने बॉल की जो साउंड है उसको आइडेंटिफाई कर लिया हो, राइट। तो ये साउंड ही है, अल्फाज जो है वो साउंड ही हैं। तो जो ग्रीन मंकीज हैं उनकी वो जो साउंड थी, इट वॉज लाइक अ वर्ड, तो उस वर्ड का मतलब था डेंजर, अलर्ट, वार्निंग। और उसका जो दूसरा लेटर था उसका, वो था कि डेंजर हो गया, अलर्ट हो गया, और ईगल, देयर इज़ एन ईगल, ठीक है, कि आसमान से जो है ना वो कोई आवाज। तो सारे जो ग्रीन मंकीज थे वो फौरन, एक तो अलर्ट होकर वो भागते थे, दूसरा वो भागते हुए आसमान की तरफ देखते थे, ठीक है, ओके। तीसरी जो वर्ड था उसमें, जब वो वाला बोला जाता था, पहला वाला सेम होती थी साउंड, यानी जिसका मतलब था अलर्ट, और दूसरा वर्ड था तो वो सुनता कि शेर आ गया या कोई दूसरा जानवर, ज़मीनी जानवर, हो सकता शेर ना कहते हो, कहते हो कि ज़मीनी जानवर है, खतरा जो है वो ज़मीनी है
या हो सकता है वो कहते हैं वो खतरा जो है वो आसमानी है. तो जब वो वाला साउंड प्रोड्यूस की जाती थी ऑलवेज वेन एवर दैट साउंड वॉज बींग प्रोड्यूस्ड, तो वो जो भाग के दरख्तों पर चढ़ जाते थे और उस वक्त ऐसा करते हुए वो आसमान की तरफ नहीं देखते थे. तो साइंटिस्ट ने क्या कि वो साउंड रिकॉर्ड कर लिए, और रिकॉर्ड करके जब उन्होंने प्ले की साउंड ए, जिसका मतलब हमने ट्रांसलेट किया हुआ था कि खतरा है और आसमानी है, तो जब वो वाली साउंड प्ले की तो वो सारे जो ग्रीन मंकीज थे वो भागे और छुप गए, और भागते हुए उन्होंने आसमान की तरफ देखा कि क्या आ गया ऊपर से. और जब दूसरी वाली साउंड प्ले की कि अलर्ट खतरा और ज़मीनी खतरा, तो उन्होंने आसमान की तरफ नहीं देखा और भाग कर दरख्तों पर चढ़ गए कि ज़मीन से कोई हमला होने लगा है. ठीक है, यहाँ पर आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि एक दफ़ा ऐसे हुआ कि जब वीडियोस बन रही थी तो एक दफ़ा ऐसे हुआ कि एक बनाना एक मंकी ने उठाया, तो एक दूसरे मंकी ने कहा कि खतरा ज़मीनी हमला, तो सारे जो जानवर थे वो भाग के दरख्तों पे चढ़ गए. तो वो जो किसी बंदर ने बनाना उठाया हुआ था तो फ़ौरन उसको फेंक के भाग गया, तो ये जो बंदर था जिसने अलार्म कॉल दी थी ये गया और इसने बनाना उठा के खा लिया. तो हुआ क्या था, एक्चुअली उसने झूठ बोला था जस्ट टू गेट दैट बनाना. तो अपने जाती मफाद के लिए झूठ बोलना जानवरों को भी आता है. तो व्हाट मेक्स अस डोमिनेंट और बेटर, क्योंकि हम जितने बड़े झूठे हैं ना दुनिया में, इतना बड़ा झूठा कोई नहीं है. ठीक है, वी आर द मोस्ट डोमिनेंट, ब्रैकेट में लिखा है सबसे बड़े झूठे स्पीशी ऑफ द अर्थ. ठीक है, दैट्स व्हाट आई मीन, इट केम विद द इंटेलिजेंस. वी नीड के व्हाट टू से एंड हाउ वी कैन मैनिपुलेट थिंग्स टू गेट बेनिफिट्स, और टू बेनिफिट्स ही है ना जो हम डोमिनेंस है, ये बेनिफिट ही है ना कि रूल किया हमने दूसरों के ऊपर. तो ये चीज़ें इंटेलिजेंस से आती हैं. तो आई मीन ओनली इंटेलिजेंट जीन्स जो हैं अगर वो आ जाएँ तो वो हमारी ये यानी शक्ल बदल देते हैं हमारे, हम कपड़े पहनते हैं डिफरेंट किस्म के, हम शेव करते हैं, हम हेयर कट करते हैं, स्टाइल करते हैं. तो आप खुद ही इमेजिन कर लें, आपने लॉकडाउन के दौरान देखा ही होगा कि अगर हेयर कट ना करवाई जाए और वो सब कुछ जो हम करते हैं अगर ना किए जाएँ तो हम तकरीबन एप्स जैसे बन जाएंगे सूनर और लेटर. ठीक है, तो एनीवे, सो यहाँ से जो सीखने वाली बात थी वो ये कि किस तरह से सिंपल म्यूटेशन इन द जीन्स कैन ब्रिंग द बिगर चेंज. हमने आपको पहले हॉक्स जीन्स की भी एग्जांपल दी थी कि वो डेवलपमेंटल जीन्स के अंदर चेंज होती है. ओके, तो यहाँ पर इस ट्री के अंदर जो मोलेकुलर फाइलोजेनेटिक्स एनालिसिस बेस्ड ट्री है, मीन्स बेस्ड ऑन द डीएनए एंड प्रोटीन सीक्वेंस, दैट्स मोर ऑथेंटिक, मोर रिलायबल देन द अदर वन विच वॉज नॉट बेस्ड ऑन द फाइलोजेनेटिक, बेस्ड ऑन द डीएनए प्रोटीन सीक्वेंस. ओके, तो पहली एप्लीकेशन जो हमने बात की थी कि हम ये देखते हैं कि ह्यूमन से क्लोज रिलेटेड कौन से है, तो ये दूसरी एक फ्लोरिडा डेंटिस्ट जो है उसके क्लिनिक से जो था वो एक डिजीज़ फैलना शुरू हुई, एक्चुअली एड्स की डिजीज़ जो थी. तब हुआ क्या, जब डिफरेंट पेशेंट्स निकलना शुरू हुए तो उन पेशेंट्स के पास जो वायरस था ना, उस वायरस के जीनोम सीक्वेंस उन्होंने करना शुरू किए और उनको आपस में कंपेयर करके ना उन तमाम वायरल्स को, मतलब वो सारी जो जीनोम थे वो किसके थे, एक ही वायरस के, HIV के, मतलब कोई डिफरेंट स्पीशी नहीं थी. ठीक है, एक ही स्ट्रेन थी जिसके वो सारे वायरस को हम वैसे स्पीशी कह भी सकते हैं लेकिन नहीं भी कहते, इट डिपेंड्स कि उनको लिविंग या नॉन लिविंग क्या वहाँ पे क्या स्केल देते हैं. बहरहाल वो डिफरेंट स्ट्रेन्स थी. तो अब ये वाला जो ट्री आप देख रहे हैं इसमें हमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं देखना चाहते, हम यहाँ पर सिर्फ क्लोजनेस देखना चाहते हैं. तो इसके लिए हमें टाइम फ्रेम की भी ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर हमने टाइम को इंक्लूड भी नहीं किया हुआ. और ये जो ट्री आप इस वक्त देख रहे हैं, जो पिछला ट्री था वो फाइलोग्राम था, तो ये वाला ट्री है ये क्लैडोग्राम है. ठीक है, और आप इसकी स्पेस शेप भी ऑलमोस्ट वही है. ओके, तो इसमें देखें तो उन्होंने लोकल पॉपुलेशन जो थी वहाँ पर उन सबके जो एड्स से इन्फेक्टेड लोग थे उनके बीच में उन्होंने किया सैम्पलिंग की, और उनका जो वायरस था उसका जीनोम सीक्वेंस किया, और इसी तरह जो मतलब सबका किया. जब सबका किया तो पता चला कि उनमें से ये जो पेशेंट CAGBEA है ना, ये पेशेंट डेंटिस्ट के क्लिनिक पर, इसी डेंटिस्ट के क्लिनिक पर जा रहे थे. और यहाँ पर देखें कि जो डेंटिस्ट के क्लिनिक से जो दो सैंपल उन्होंने लिए थे उनका, यानी ये उसके अंदर ही आ रहे थे. इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रेन्स पेशेंट CAGBEA के पास जो है ना स्ट्रेन्स, ये डेंटिस्ट वाली जो स्ट्रेन है उसी से निकले हैं. और ये क्योंकि वायरस जो होता है वो क्विकली मॉडिफाई हो सकता है, असल में क्विकली मॉडिफाई इसलिए हो सकता है कि जो कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं अगर उनके अंदर म्यूटेशंस आएंगे तो वो म्यूटेशन, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है तो वो किसी ना किसी मेटाबॉलिक पाथवे को डिस्टर्ब कर देंगी जिससे वो सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो सर्वाइवल ज़रूरी है. तो ऐसी म्यूटेशंस नेक्स्ट जनरेशन के अंदर एक्यूमुलेट हो सकती हैं, जो म्यूटेशन आए वो चेंज भी लाए लेकिन उससे उस सेल के सर्वाइवल को भी कुछ ना हो.
ठीक है, इसलिए जो सर्वाइवल को डिस्टर्ब करती हैं म्यूटेशंस वो सेलेक्ट नहीं होती नेक्स्ट जनरेशन में, वो ख़त्म हो जाती हैं, डिस्कार्ड हो जाती हैं। तो वो वाली म्यूटेशंस नेक्स्ट जनरेशन में होती हैं जो सर्वाइवल जो चीज़ें हैं ना उसको ना डिस्टर्ब करें। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर वायरस के केस में होता है, अभी जैसे हमने देखा कि फ्यू मंथ्स में जो वुहान से वायरस शुरू हुआ और वो हमारे पास जब आया तो वो और स्ट्रेन है, और यूरोप में जो है वो और स्ट्रेन है। ठीक है, तो इससे हमें ये स्ट्रेन इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है, क्योंकि उसके अंदर जो भी म्यूटेशन आ जाए इट डजेंट मैटर। ठीक है, अगर वो म्यूटेशन आके उससे उसकी रेप्लिकेशन चली जाती है तो वायरस ख़त्म हो जाएगा। अगर म्यूटेशन उसके पैथोजेनेसिटी वाले जीन्स में आ रही है कि उसके बाद वो उतना पैथोजेनेटिक नहीं रहता तो वो एक वीक स्ट्रेन हो जाएगी। अगर उसकी म्यूटेशन से वो फर्दर पैथोजेनिक हो जाता है या उसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ जाती है या उसका रेप्लिकेशन रेट बढ़ जाता है, ठीक है, तो उससे वो ज़्यादा डेडली वायरस बनता चला जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि उसकी कोई भी म्यूटेशन जो है वो उसको इट्स ओके, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है, इसलिए उसके अंदर ज़्यादा म्यूटेशन रेट होता है वायरस के अंदर हमेशा। ओके, तो ये जो ब्लू में आप देख रहे हैं ये लोकल पॉपुलेशन से वो थे, यानी कि पेशेंट थे जो इन्फेक्टेड थे एड्स से, लेकिन वो इस डेंटिस्ट को विजिट नहीं कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पर एक पेशेंट एफ और पेशेंट डी है, इनको भी एड्स है लेकिन उनके ये जो स्ट्रेन है वो डेंटिस्ट के क्लिनिक से नहीं आई हुई, उनको इन्फेक्शन, यानी वो पेशेंट हैं इस डॉक्टर डेंटिस्ट के लेकिन उनकी जो स्ट्रेन है वो कहीं और। तो ये एक जो केस है, तो ये डेंटिस्ट साहब जो थे वो इन्फेक्ट कर रहे थे अपने केयरलेस होने की वजह से, अपने इंस्ट्रूमेंट को क्लीन नहीं कर रहे थे, तो उससे इन्फेक्शन आगे से आगे इतने लोगों में फैला। तो इस तरह के, तो हम इट्स अ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें भी हम जो है वो क्लेडोग्राम जो क्लेडिस्टिक्स एनालिसिस है उसकी बुनियाद पर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये देखें आगे थोड़ा सा आपको लेके चलते हैं कि मलेक्युलर फाइलोजेनी जब हम करते हैं तो हाउ टू स्टार्ट विद। तो सबसे पहला काम जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि देर आर सम डीएनए सीक्वेंसेस लिखते हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर हम आप कंपेयर करते हैं उनको, जो भी टेक्सा जिनको आप कंपेयर करने जा रहे हैं। तो हाउ टू सेलेक्ट दोज डीएनए सीक्वेंस और प्रोटीन सीक्वेंस, देखें फुल जीनोम साइज भी इंक्लूड किया जा सकता है। अगर पूरा जीनोम हो दो ऑर्गेनिज्म का तो ओके फाइन, अगर पूरा जीनोम नहीं है तो फिर जीनोम में से कौन से जीन्स पिक करने हैं, तो वो जो जीन्स हम पिक करते हैं कंपैरिजन के लिए, हम उनको सिलेक्टेड जीन्स को किसी रीज़न की बुनियाद पर करते हैं। उनको वो मार्कर जीन भी हो सकते हैं, मार्कर जीन्स मार्कर क्यों होते हैं मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जब भी आप जीन चूज़ करेंगे, चाहे कोई भी मार्कर जीन हो या प्रोटीन सीक्वेंस हो या वो पूरा जीनोम हो, इट शुड बी होमोलॉग्स, दे शुड बी होमोलॉग्स। अब होमोलॉग्स मैंने आपको पीछे समझाया कि होमोलॉजी क्या है, आई मीन दे मस्ट हैव इंसेस्टर रिलेशनशिप। ये आपने अपनी कॉमन सेंस देखना है कि जो डीएनए सीक्वेंस मैं दे रहा हूँ या दे रही हूँ फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करने वाले सॉफ्टवेयर को, वो होमोलॉग्स हैं कि नहीं, क्योंकि उसको नहीं पता कि क्या है। आपने उसको, दैट सॉफ्टवेयर इज स्टूपिड, आपने उसको इंस्ट्रक्शन देनी है कि इन सीक्वेंस को कंपेयर करो। आप कोई भी सीक्वेंस उसको देंगे वो कंपेयर करके आपको बता देगा कि ये सीक्वेंस आपस में इतने क्लोजली रिलेटेड हैं। ठीक है, देखिए क्लोजली रिलेटेड तो हम सभी हैं, यानी कि जो माइकॉग जो ये सामने दरख्त खड़ा है उसका और मेरा 26% जीनोम सिमिलर है। ठीक है, 95% जीनोम हमारा माउस या चिंपैंसीज के साथ सिमिलर है, सीक्वेंस उसका आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये सारे सिमिलर हैं। अब 26% तो ट्री का भी है, तो अगर आप ट्री भी इंक्लूड कर लेंगे तो ट्री होमोलॉग नहीं है। मैं आपको बताता हूँ होमोलॉजी क्या होती है, कि पीछे जो यानी कि इंसेस्टर्स में जब हम जाएँ तो वो वाली चीज़ वो जीन होमोलॉग जीन है जो मेरे ह्यूमन के और चिंपैंजी के इंसेस्टर में था, इंसेस्टर में आया पहले और उसके बाद फिर उसके अंदर म्यूटेशंस हुई। ठीक है, और म्यूटेशन यानी कि जब हम डेविएट हुए अपने इंसेस्टर से, दो ग्रुप्स बने, तो वो जीन हमने दोनों ने इंसेस्टर से लिया था। फिर उसके बाद जो हमारे अंदर म्यूटेशन आई वो हमारे अंदर एक्यूमुलेट आ गई, और जो दूसरे ग्रुप के अंदर म्यूटेशन आई वो उनके अंदर एक्यूमुलेट होंगी। अब वो दोनों जीन्स आपस में डिफरेंट हैं लेकिन दे हैव इंसेस्टर रिलेशनशिप। ठीक है, अब कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो उस ग्रुप के अंदर, जैसे बर्ड्स के जो विंग्स के जीन्स हैं, और हमने आपको बताया था जो बटरफ्लाइज के विंग्स के जीन्स हैं वो बटरफ्लाई और बर्ड्स के इंसेस्टर में नहीं आए थे, यानी इन दोनों का पीछे एक कॉमन इंसेस्टर नहीं है जिसके अंदर वो जीन था और उन दोनों ने उससे लिया है। बटरफ्लाई ने किसी और से लिया है वो जीन, और बर्ड ने किसी और से लिया, इसलिए ये जीन्स आपस में होमोलॉग्स नहीं है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ दैट होमोलॉजी व्हेन यू इनरोल डीएनए आर प्रोटीन सीक्वेंसेस टू कंस्ट्रक्ट अ फाइलोजेनेटिक ट्री, योर ट्री इज रॉन्ग। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल टू कंस्ट्रक्ट अ फाइलोजेनेटिक ट्री।
ओके अब उसके बाद वेरी इजी, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना। जब आपके सीक्वेंस उसको उसको देने से पहले उनको अलाइन करते हैं हम सीक्वेंस को ना, उसके लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, क्लस्टल एक्स है, क्लस्टल डब्ल्यू टूल्स हैं जो हमें, हम उनको करते हैं अलाइनमेंट करते हैं सीक्वेंस की, तो अलाइन करते हैं। उसके बाद फिर उसको हम ये एक्चुअली अगले कोर्स में हमने देखना है, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस वाले कोर्स में, कि ट्री बनाते कैसे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़े से प्रिंसिपल समझने हैं, इसलिए हम उसमें नहीं अभी जा रहे। तो अलाइन होता है, अलाइन करने वाले टूल हैं, कैसे अलाइन करते हैं, उसके बाद फिर उनको रिफाइन करते हैं सीक्वेंस को उसके, ताकि मिस्टेक्स उसको रिमूव किए जाएँ। ठीक है, ओके। तो उसके बाद आप उसको क्लिक करते हैं और बूट स्ट्रैपिंग बताते हैं आपके 1000 है बूट स्ट्रैपिंग की वैल्यू, तो वो ट्री कंस्ट्रक्ट करके आपको दे देता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और समझने की ज़रूरत है, वो है अलाइनमेंट के अंदर कुछ गैप्स होते हैं। गैप्स क्या है? देखें, आपने जो अभी मैं बात कर रहा था कि एक जीन है जो एक ग्रुप ने और दूसरे ग्रुप ने, ऑफकोर्स जब भी आप फाइलोजेनेटिक ट्री कर रहे होंगे, एनालाइज कर रहे होंगे, उनमें हमेशा जो सीक्वेंस आप जिनको कंपेयर कर रहे हैं वो होमोलॉग्स होंगे। होमोलॉग्स मीन्स वो इंसेस्टर्स होंगे, क्योंकि ये रूल है, आपने होमोलॉगस सीक्वेंस ही लेने हैं। अब होमोलॉगस सीक्वेंस आपने कलेक्ट कर लिए और उनको कंपेयर कर रहे हैं, अब उन सीक्वेंस के अंदर आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो आप सीक्वेंस आपको नज़र आ रहे हैं, 5 जीनोपस, गैलस, बॉस, होमो, मस और रेटस का है, तो इसमें जो पहला आप सीक्वेंस देख रहे हैं उसके अंदर एक सीक्वेंस आ रहा है GGT और यहाँ नहीं आ रहा, बाकियों में आ रहा है, या थोड़ा सा इसके अंदर GGT की बजाय इसके अंदर AGT हो गया, सिंगल न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर GGT की बजाय ACT हो गया। ठीक है, तो ये म्यूटेशंस हैं। खैर एनीवे, यहाँ ये नहीं है, तो ये हो गई है इसके अंदर से डिलीशन। इस तरह से जो ये वाला सीक्वेंस है AAC, ये इन सब के अंदर है लेकिन जीनोपस के अंदर नहीं है। तो अब हुआ क्या, ये इन सब का जो इंसेस्टर था, ये होमोलॉग सीक्वेंस है, ये इन सब ने अपने पीछे इंसेस्टर से लिया है। ठीक है, वो इंसेस्टर बहुत पीछे हो सकता है। अब वो जो पीछे से इंसेस्टर लिया है उसके अंदर जब जीनोपस के अंदर वो जीन आया, तो उसके अंदर ये 3 न्यूक्लियोटाइड की हो गई है डिलीशन, जो हम पीछे बात कर रहे थे कि म्यूटेशंस होती हैं। अब म्यूटेशन सिंगल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशंस भी होती हैं, वो इन्वर्जन्स भी होती हैं, आपको बताया डिफरेंट तरह की म्यूटेशंस होती हैं, आपने मोलेकुलर बायोलॉजी के कोर्स में पढ़ी होंगी। ठीक है, इंसर्शंस भी होती हैं, डिलीशंस भी होती हैं, तो कोई एक फ्रेगमेंट जो होता है 2, 4, 5, 10, 20 इंडेल्स जिनको हम कहते हैं इंसर्शंस और डिलीशंस, तो वो डिलीट भी हो सकता है कुछ सीक्वेंस, इनर्ट भी, इंसर्ट भी हो सकता है। तो अगर आप 5 सीक्वेंस को कंपेयर कर रहे हैं और उनके अंदर 6 न्यूक्लियोटाइड जो हैं एक सीक्वेंस के अंदर, सीक्वेंस ए के अंदर 6 न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट हुए हुए हैं, तो वो उनके अंदर हैं, बाकी किसी में नहीं है। तो वो जो 5 सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक के अंदर हैं, बाकियों में है ही नहीं, तो वो तो बाकियों से कंपेयर नहीं ना हो सकते। तो जब वो बाकियों से कंपेयर नहीं होंगे तो बाकियों में वो होगा ही नहीं, तो उसमें फिर गैप आ जाएगा इस तरह जैसे इसमें आ रहा। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये बाकियों सब में है और इसमें नहीं है, तो हम कह रहे हैं ये इसमें से डिलीशन हुई है। ठीक है, अगर ये इस यहाँ पर देखें, ये इसमें से हम कह रहे हैं कि ये डिलीट हो गया, तो ये गैप आ गया। तो अब ये वाले जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो ग्रीन में आपको नज़र आ रहे हैं, वो चूँकि इसके अंदर गैलस के अंदर हैं ही नहीं, तो इसलिए ये 3 न्यूक्लियोटाइड इसके साथ कंपेयर हो ही नहीं सकते। इस तरह से ये 3 न्यूक्लियोटाइड जो है वो इसके अंदर है ही नहीं, तो ये नहीं कंपेयर हो सकते। तो हमने फिर इस पर ये गैप आ गया। गैप क्यों आया, क्योंकि बाकी वही सीक्वेंस है, यानी ये देखें, ये ATGCAT, ये वही सीक्वेंस सब के अंदर सेम है। ठीक है, ये सीक्वेंस आइडेंटिटी है। तो ये यहाँ पर देखें, ये सब के अंदर ये CCC है, इसका मतलब है कि जो इंसेस्टर सब के अंदर है, देखो इसके अंदर GC है, GC, इसके अंदर TC है। ठीक है, और इसके अंदर ये वाला सीक्वेंस आगे देखें, CAA, 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 इसका मतलब है ये वो है ओरिजिनल इंसेस्ट्रल सीक्वेंस, और यहाँ इसके अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड और यहाँ होने चाहिए थे जो इन सब के अंदर है, वो इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब इसके अंदर से डिलीट हो गए। तो वो जो डिलीट हो गए हैं, ये 3 न्यूक्लियोटाइड इसके आपस में ग्रीन के साथ कंपेयर नहीं हो सकते। ये वाले 3 जो आप, ओहो ये क्या कर रहे हो गंदे बच्चे, ये वाले 3 बाकियों में नहीं है, तो ये वाले कंपेयर नहीं हो सकते। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो ग्रीन न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनको भी हम डिलीट कर देंगे। तो इसे हम कहते हैं रिमूविंग द गैप्स। तो गैप रिमूव जब आप कर देंगे तो उससे आपकी जो अलाइनमेंट है, ये जो सीक्वेंस आपस में एक दूसरे के साथ अलाइन हुए हुए हैं, इसको अलाइनमेंट कहते हैं, तो आपकी अलाइनमेंट इम्प्रूव होगी। जो गैप्स हैं, जो इंडेल्स हैं, इंसर्शन या डिलीशंस, वो सीक्वेंस को कंपेयर करने वाला जो प्रोसेस है रिकंस्ट्रक्ट करने में, उसमें यूज़ नहीं हो सकते, क्योंकि वो एक में है बाकियों में है ही नहीं, तो वो नहीं हम यूज़ करेंगे। हम सिर्फ वो देखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे, गौर करिए,
ये सब में देखें AGC है, तो इसमें ये GTC है। तो ये वो म्यूटेशंस हैं इसके अंदर जो इसको डिस्टेंटली, अब देखो ये सब इसकी बुनियाद पर क्लोजली रिलेटेड शो होंगे और GTC अलग जाएगा इससे कि डिस्टेंटली रिलेटेड होगा, ठीक है। तो अगर ये GTC है और ये AGC है तो हम फिर कंपेयर क्यों करें, क्योंकि आप देखें GTC से पहले देखें सब में T है, फिर सब में G है, फिर सब में जी है, जी जी टी देखें सब में है। तो वो ये वो सीक्वेंस है जो इंसेस्ट्रल है, जो इंसेस्टर्स में था, और ये अभी है इसके अंदर म्यूटेशंस सिंगल न्यूक्लियोटाइड, तो ये इनमें नहीं हुई, तो ये आपस में कंपेयर होंगे। ये क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इसका तो ये सीक्वेंस इसके अंदर ये वाला है ही नहीं, इसलिए गैप्स ये सारा रिमूव कर देंगे हम, ये जो ग्रीन न्यूक्लियोटाइड हैं सारे रिमूव कर देंगे, जिसे हम कहते हैं गैप को रिमूव करना, राइट। तो गैप रिमूव करके तो फिर आपस में आगे अगला कंपेरिजन होगा। तो इसको जब अलाइन, यानी कि फर्स्ट थिंग यू गेट दी होमोलॉगस सीक्वेंस एंड देन यू डू अलाइनमेंट। तो जब अलाइनमेंट करते हैं तो उनके गैप्स को रिमूव कर देते हैं। अच्छा, वो करते कैसे हैं वो तो हम सॉफ्टवेयर में देखेंगे अगले कोर्स में, लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना ज़रूरी है कि होमोलॉगस सीक्वेंस क्यों लेने ज़रूरी है, क्योंकि वो इंसेस्टर रिलेशनशिप होता है और इंसेस्टर रिलेशनशिप भी हम स्टडी कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, गैप्स को रिमूव करना क्यों जरूरी है, क्योंकि एक सीक्वेंस के अंदर वो है और दूसरे के अंदर है ही नहीं, तो फिर हम कंपेयर क्या कर रहे हैं। मतलब इमेजिन के आपके पास एक BMW गाड़ी है और मेरे पास नहीं है, तो आप कैसे कंपेयर करेंगे, अपनी गाड़ी को मेरी गाड़ी से कैसे कंपेयर करेंगे, मेरे पास गाड़ी ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से कंपेरिजन होने के लिए उन सीक्वेंस का, उन कंपेरिजन का, यानी आप अपनी एज को तो मेरी एज से कंपेयर कर सकते हैं, आप अपनी हेल्थ को तो मेरी हेल्थ से कंपेयर कर सकते हैं, आप मेरी हाइट को अपनी हाइट से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी BMW को मेरी BMW से कंपेयर नहीं कर सकते। या चलें BMW को निकाल दें, नॉन लिविंग है। इफ़ यू आर, चले मैं खुद को कह लेता हूँ, इफ़ आई एम डायबिटिक एंड यू आर नॉट डायबिटिक, आप डायबिटीज़ वाला जो जीन है उसको मेरे साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। मेरे पास तो है ही नहीं, इट्स नॉट वर्किंग, यू कैन नॉट कंपेयर इट विद मी। तो आप क्या म्यूटेशन उसके अंदर आई हैं, वो आपका मेरा होगा, तो फिर आपस में समझ रहे ना आप, जो जीन्स मेरे अंदर है ही नहीं और आपके अंदर है, या आपके अंदर नहीं है और मेरे, तो वो फिर कंपेयर नहीं हो सकता। सो दैट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस, कि हम इसको कैसे करते हैं। ओके, तो बेस्ड ऑन दी सीक्वेंस जो है यहाँ पर हमने ये कंपेरिजन किया है, ज़रा देखें इसके ऊपर ये रूट है इनकी। आप देखा गैलस के अंदर डिफरेंस था, तो वो बिल्कुल अलग चला गया। बाकी रेटस जो है और मस, यहाँ पर जो मस है वो माउस का जीनस है और रेटस जो है वो रैट का जीनस है। यहाँ पर मैं आपको बताना पसंद करूँगा कि रैट्स एक स्टैंडर्ड कॉमन टर्म है, जनरल टर्म, दुनिया के तमाम चूहों को हम रैट्स कह सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी में टेक्निकली स्पीकिंग रैट्स जो हैं वो एक अलग जीनस में आते हैं और माउस अलग आते हैं। रैट बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं जनरली, और मस जो हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है, जो आमतौर पर लैब्स में एज ए मॉडल यूज़ होते हैं। रैट्स भी वैसे यूज़ होते हैं, ठीक है। ये बॉस है काओ और ये होमो है, ठीक है, जो मैंने फ़ोटो इंक्लूड किए थे ताकि आपको पता चले कि मस से और बॉस से क्या मुराद है, ठीक है। यहाँ पर देखें कि हम होमो जो हैं ये रेटस और मस क्लोजली रिलेटेड हैं और उसके पीछे ये आपस में ये रिलेटेड है, और हम उनसे फिर अलग, आप हम इनसे मतलब पीछे हैं, ठीक है। तो ये सर, ये जो चिकन जो है वो बिल्कुल देखें अलग चला गया, क्योंकि ऑफ कोर्स इट इज़ डिफरेंट, ठीक है। तो ये जो अलग हमने इंक्लूड किया, अब आप कहेंगे कि ये क्यों इंक्लूड किया, ये तो मतलब बर्ड्स में आता है, तो ये हमने इसको कहते हैं आउट ग्रुप। अगर हम ये इंक्लूड नहीं करते ना, तो ये जो यहाँ से नोड निकला ना, ये नहीं निकलना था। इस नोड के निकलने का फायदा ये है कि ये इसको एक रूट दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर वो जो मैं बार बार कह रहा था आपको, पीछे के जो ट्री की शेप होती है उसको हम कहते हैं ट्री टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिस ट्री इज एक्सप्लेनिंग के ये क्या है, अब आपको ये भी पता चल गया कि ये नोड क्या है। अब देखें यहाँ पर उन्होंने जो है ना, हमने ये किया है 0.066, तो ये 1000 में से 66 टाइम्स और ये 11 टाइम्स, तो ये देखें नोड्स वैल्यूज बहुत कम है, मीन्स 1000 में से 38 टाइम्स ऐसा हुआ था कि ये क्लोज रिलेटेड आए थे। तो ये क्यों इतना कम रिलेटेड हो रहा है, क्योंकि हम क्लोज रिलेटेड नहीं हैं आपस में, इतने क्लोज रिलेटेड नहीं। अगर यहाँ पर चिंपैंजी होता तो ये नंबर बड़ा होता, तो कंपैरिजन बेटर होता, ठीक है। ओके, तो पीछे हमने बात की थी रूटेड और अनरूटेड ट्री की, तो ये एक अनरूटेड ट्री है, इसमें कोई इंसेस्टर का नहीं पता चल रहा, ठीक है। ये गैलस रेटस मस बोनो ये, लेकिन ये फेलोजेनेटिक ट्री है, आई मीन ये आपको स्केल बता रहा है, क्या टाइम स्केल बता रहा है, लेकिन रूट नहीं है इसके ऊपर आ रहा, ठीक है। तो ये एक रूटेड ट्री है, तो रूटेड ट्री के में क्या आपने किया, जीनोपस ऐड किया। तो जब जीनोपस ऐड किया तो देखें पिछले स्टेट ट्री में जीनोपस नहीं था, लेकिन जब हमने एक और डिफरेंट ऑर्गन का तो और निकल गया पीछे,
तो इसको हम कहते हैं आउट। तो जब भी आप ट्री बना रहे हैं उस ट्री के अंदर आप कोई आउट ग्रुप, फॉर एग्जांपल अगर आप इन दो को कंपेयर कर रहे थे तो आप इसको ऐड करेंगे तो ये इसको रूट देगा यहाँ पर। अगर आप अब इन तीनों को कंपेयर कर रहे हैं और इनकी रूट चाहते हैं तो एक और आउट ग्रुप ऐड करें तो उसको भी रूट मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर अगर ज़ीनोपस ऐड ना करें तो फिर ये ट्री अनरूटेड हो जाता है। जब ज़ीनोपस ऐड करते हैं तो फिर इसको ट्री के पीछे रूट मिल जाती है, ठीक है। तो वेन एवर यू वॉन्ट टू गेट अ रूट ऑफ दैट ट्री यू ऐड एन अन आउट ग्रुप, ठीक है। तो दो तरीके हैं यहाँ पर रूटेड ट्री बनाने के। एक तो यानी कि अनरूटेड ट्री जो होता है वो सिंपली जब सीक्वेंस आप ऐड करते हैं, जैसे मैंने बोला फॉलोइंग द प्रिंसिपल, तो ट्री कंस्ट्रक्ट हो जाता है। तो अगर आप उसको रूट देना चाहते हैं तो देर आर टू मैथड्स। एक यू ऐड एन आउट ग्रुप। आउट ग्रुप कैसे ऐड होता है, जैसे मैंने बोला कि ज़ीनोपस ऐड कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सल्फर जो है रिड्यूसिंग बैक्टीरिया को कंपेयर कर रहे हैं आपस में, डिफरेंट उनकी स्पीशीज़ को, डिफरेंट स्टेन्स को, तो उसमें आप एक इकोलाई डाल देंगे, ठीक है, या कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल देंगे, यानी बैक्टीरिया ही डालेंगे वहाँ पर, दरख्त नहीं डालेंगे, ठीक है। यानी स्टिल इट शुड बी क्लोजली रिलेटेड बट डिस्टेंटली क्लोजली रिलेटेड। तो जब वो डिस्टेंटली रिलेटेड आई मीन, तो जब आप वो ऐड करेंगे तो उसको रूट मिल जाएगी, ठीक है। ओके, एक तो ये आउट ग्रुप, इनरोलिंग एंड आउट ग्रुप। इनरोलिंग आउट मीन्स जस्ट ऐड वन मोर सीक्वेंस विच इज डिस्टेंटली रिलेटेड टू द सीक्वेंस विच यू आर कंपेयरिंग। एक और तरीका है, वो है मोलेक्युलर क्लॉक का। मोलेक्युलर क्लॉक इज अ हाइपोथेसिस विच एक्सप्लेन्स के विच इज बेस्ड ऑन द म्यूटेशन रेट। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि जो ह्यूमन है हमारे अंडर 10,000 न्यूक्लियोटाइड्स बेस म्यूटेशन होती है, हर 10,000 न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट है। तो अब 10,000 न्यूक्लियोटाइड्स मीन्स कितने टाइम में हमारे अंदर हर 10,000 में एक न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट होता है, और हमारी एक लाइफ टाइम कितना होता है, और हमारी हमें पता है कि अगर मतलब 150 साल हो तो हम कहेंगे इंसानों की 3-4 नस्लें जो हैं वो पीछे चली गई, अगर हम 300 साल कहेंगे तो हम कहेंगे 8 नस्लें पीछे चली गई अगर हम, तो वो जो म्यूटेशन रेट है वो हमारी एज से उसका ताल्लुक है, हमारे टाइम से, जितना टाइम हम जीते हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म का अपना म्यूटेशन रेट है, तो उसकी बुनियाद पर हमने उसको जो म्यूटेशंस हैं उसको टाइम से लिंक कर लिया, तो उसको हम कहते हैं मोलेक्युलर क्लॉक। तो वो मोलेक्युलर क्लॉक हमारे जीनोम सीक्वेंस के अंदर मौजूद है, ठीक है। यानी कि अगर हमें 1,00,000 साल पहले का कोई ह्यूमन मिलता है, ठीक है, होमो सेपियंस मिलता है, और उसका आज के होमो सेपियंस से आप कंपैरिजन करते हैं, दोनों होमो सेपियंस हैं, तो उसके अंदर म्यूटेशंस हमारी निस्बत बहुत कम होंगी। यानी उसका हेमोग्लोबिन जीन, हमारा हेमोग्लोबिन जीन जब कंपेयर किया जाएगा तो उसके हेमोग्लोबिन जीन के अंदर हमसे म्यूटेशंस बहुत कम होंगी, क्योंकि वो 1,00,000 साल उसके बाद आगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन तक हम आगे हुए हैं, तो हमारे अंदर वो सारी म्यूटेशंस एक्यूमुलेट हुए। तो वो जो हम ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे वो सिंपली एक सीक्वेंस हेमोग्लोबिन को कंपेयर नहीं करेंगे, हम डिफरेंट सीक्वेंसेस को कंपेयर करने के बाद ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मोलेक्युलर क्लॉक। ओके, तो दैट्स हाउ वी गिव द रूट टू एन अनरूटेड ट्री। ये देखें, ये एक जस्ट टू शो यू एन इंटरेस्टिंग ट्री, जो ट्री आप देख रहे हैं मैंने आपको पीछे भी दिखाया था। तो ये एक यूनिवर्सल फाइलोजेनेटिक ट्री है। दिस ट्री इज़ बेस्ड ऑन स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस। तो क्यों हम स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट आरएनए सीक्वेंस को चूज़ करके ये ट्री कंस्ट्रक्ट किया है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि ये मार्कर जीन्स हैं। हम इनको मार्कर जीन्स क्यों कहते हैं ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊँगा। और ये जो ट्री है इसकी जो टोपोलॉजी है वो आप देख रहे हैं कि ये एक सर्कुलर ट्री है या रेडियल ट्री हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्री आप देख रहे हैं, गेस करें तो ये क्लैडोग्राम है या फाइलोग्राम है? येस, यू आर राइट, इट्स अ क्लैडोग्राम, क्योंकि इसमें हमें टाइम फ्रेम शो नहीं हो रहा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, दिस लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया दूसरों से, बीच में आपको हमने कहानियाँ जो सुनाई थी, ठीक है। गुड, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।